गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज के इस अवसर पर आपका हमें आशीर्वचन प्राप्त होगा। स्वागत और यह धन्यता आज निवास समाज को प्राप्त हुई है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय संत और पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज साहब हमारे बीच में पधारे हैं। निमा समाज बांसवाड़ा आपको हमारे मध्य पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसी संस्कृति का कोई पहचान और ऐसी बड़ी जगह है तो बेणेश्वर धाम है, जहाँ प्रतिवर्ष लगभग 300 वर्षों से यह मेला आयोजित होता है के रूप में वो विकसित है, जहाँ पूज्य संत मावजी महाराज की तपोभूमि है। बेणेश्वर धाम में भगवान शिव का और भगवान विष्णु कठोर तपस्या की थी और उसके लिए बाद एक विशाल मंदिर डूंगरपुर महारावल साहब ने 15वीं शताब्दी में बनाया था। हम सबके लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि 250 एकड़ में फैला हुआ बेणेश्वर टापू न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि हम सबको हमेशा ही प्रेरणा स्रोत और धर्म जागृति का एक विशाल केंद्र भी वहां पर विकसित है। 18वीं शताब्दी में सावला में अनंत सागर जैसे रचनाएं की और उसके अंदर मावजी महाराज ने 72,66,000 भविष्यवाणियां की थी और वो भी 237 साल पूर्व, और वो सभी भविष्यवाणियां लगभग सत्य होती जा रही है, एक बहुत बड़ी बात। और उसी परंपरा में आज हमारे बीच में बेणेश्वर धाम के नाम से जगा रहे हैं। पिछले दिनों आप प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी भेंट हुई थी और मोदी जी भी स्वयं 2 बार बेणेश्वर धाम आए और उन्होंने चोपड़ों आप शिक्षक से ऊपर उठ करके गुरु जी कहलवाने लगे, ऐसी अपनी योग्यता अपना समर्पण बढ़े। आप भी मंच पर पधारे। चंचावत श्री लोकेश जी चंचावत आप रोहिड़ा गढ़ी में एक बार इधर देख लो सामने हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेमलता जी शाह पवन जी शाह आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, आपको भी अभिनंदन करते हुए हमें अत्यंत गर्व है करते हुए नेमा समाज गर्व महसूस कर रहा है। यस इधर देखो सामने सामने देखिए इधर श्रीमती ज्योति शाह वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री नीलम शाह आप भी कोठारी हवेली में छोटे बच्चों को अपनी शिक्षा सेवा से सभी को लाभान्वित कर रही है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। वाइफ ऑफ श्री अशोक जी मेहता आप भी वरिष्ठ अध्यापिका हैं और चंद्रपुर के बालिका विद्यालय यस इधर देखो सामने देखिए ये सभी अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनका है। हमने शिवा